गौर्या घर आती है तो वहाँ थाइम की मॉम मिस रोजेलिन बैठी होती हैं। गौर्या उन्हें हेलो बोलकर उनसे आने का रीजन पूछती है। वे घर को देखकर कहती हैं कि तुम लोग इतने छोटे और गंदे से घर में कैसे रहते हो। गौर्या कहती है कि काम की बात कीजिए। वे कहती हैं कि तुम्हें बेटर लाइफ चाहिए, इसीलिए तुम मेरे बेटे के साथ हो। मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? गौर्या कहती है कि हर प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व नहीं होती। वे उसे 1 मिलियन ऑफर करती हैं। गौर्या कहती है कि मैं और थाइम कपल नहीं हैं। वे उसे 5 मिलियन ऑफर करती हैं। गौर्या कहती है कि पैसे चाहे जितने हो मैटर नहीं करते। वे उसे 15 मिलियन ऑफर करती हैं। गौर्या फिर से मना कर देती है। उनके आर्गुमेंट सुनकर गौर्या के मॉम को गुस्सा आ जाता है। वे कहती हैं कि मेरे ही घर में आकर मेरी बेटी को खरीदने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम लोगों को इक्वल नहीं समझ सकती? मिस रोजेलिन कहती है कि हम दोनों के बीच क्या इक्वल है। उसकी मम्मी गुस्से में उनके ऊपर फिश सॉस फेंक देती है। मैनेजर शॉक हो जाता है। गौर्या की मॉम कहती है कि यहाँ से जाओ, हमारे घर में तुम्हारे जैसे लोगों का वेलकम नहीं किया जाता। मेरी बेटी तुमसे कभी पैसे नहीं लेगी। थाइम की मम्मी गौर्या से कहती है कि मैं तो पैसे देने आई थी, मुझे लगा तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम में है। इक्वालिटी अच्छा वर्ड है, पर तुम्हारी जैसी लड़की कितनी भी कोशिश कर ले पर थाइम के लिए परफेक्ट नहीं बन पाएगी, और चली जाती है। गौर्या अपनी मॉम को थैंक यू बोलती है और पूछती है कि आपने सामान क्यों पैक किया हुआ है। उसके डैड उसे बताते हैं कि मेरी कंपनी बंद हो गई है, अब मेरे पास जॉब नहीं है। F4 दोबारा साथ होने पर पार्टी करते रहते हैं। थाइम सबको दिखाता है कि देखो गौर्या ने मुझे कितने सारे स्ट्रीकर्स भेजे हुए हैं, इसका मतलब है वो मुझसे मिलना चाहती है। केविन कहता है कि इमेजिनेशन करने में परफेक्ट है। थाइम कहता है कि ये सीधे सीधे नहीं बोल सकती क्या कि मुझसे मिलना चाहती है। MJ कहता है कि हम जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है, इन चीजों पर फोकस करो। थाइम कहता है कि मुझे गौर्या चाहिए और रैन से पूछता है कि क्या मैंने गलत बोला। रैन मना कर देता है। थाइम कहता है कि बस तुम ही मेरी फीलिंग समझते हो, फिलहाल मेरा फोकस गौर्या पर ही होगा। गौर्या स्कूल नहीं आती, अपने पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहती है। थाइम उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है पर वह उसे नहीं मिलती। थाइम केविन को कॉल करके हेल्प मांगता है। वह कहता है कि मैं ही क्यों, और फ्लावर शॉप में आता है। वहाँ कनिंग गिरने वाली होती है तो केविन आकर बचा लेता है। कनिंग उसे थैंक यू बोलती है। केविन कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो हेल्प तो करनी ही थी। कनिंग कहती है कि कैसी गर्लफ्रेंड? केविन कहता है तुम्हारे एक के सामने कहा था ना। कनिंग कहती है कि मजाक बंद करो और यहाँ क्या कर रहे हो। केविन कहता है कि थाइम गौर्या से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है। कनिंग उसे बताती है कि उसकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसके मॉम डैड काम करने गांव चले गए हैं, और थाइम के मॉम के बारे में भी बता देती है कि उन्होंने थाइम को छोड़ने के लिए गौर्या को पैसे ऑफर किए थे। केविन पूछता है कि गौर्या के डैड किस कंपनी में काम करते थे। थाइम गुस्से में अपनी मॉम से कहता है कि आप गौर्या की फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। गौर्या के डैड की कंपनी बंद कराने के पीछे उसकी मॉम का ही हाथ होता है। वे कहती है कि तुम तो स्मार्ट हो गए हो, फिर उस लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। थाइम कहता है कि अगर आप ये सब नहीं रोकोगी तो मैं गौर्या की हेल्प करूंगा। वे पूछती है कि कैसे हेल्प करोगे। थाइम कहता है कि कोशिश करूंगा, और चला जाता है। गौर्या के पेरेंट्स वीडियो कॉल पर उससे कहते हैं कि हमें पता चला है कि वहाँ 10 घरों में चोरी हुई है, जिसमें हमारा घर भी है। गौर्या कहती है कि मैं आपको इस बात की टेंशन नहीं देना चाहती थी, पर आपको कैसे पता चला? वे बताते हैं कि तुम्हारा भाई न्यूज में खुश हो रहा था। गौर्या कहती है कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, तभी नेटवर्क के जाने से कॉल कट जाता है। वही गौर्या के पीछे होता है, उसे लगता है कि चोर है तो वो भाग कर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वह घर आती है तो उसके पीछे थाइम होता है। वे उसे चोर समझकर हिट कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थाइम कहता है कि अपने घर जा रहा था। गौर्या कहती है कि यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। थाइम उसे बताता है कि मैंने सामने वाला घर खरीद लिया है, अब तुम मेरी पड़ोसी हो। टिया अपने मॉम से कहती है कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, प्लीज थाइम को उसकी लाइफ जीने दीजिए। वे कहती है कि तुम्हें कल सिंगापुर जाकर सब कुछ हैंडल करना है। टिया कहती है कि आपने मेरी शादी जबरदस्ती कराई, क्या थाइम को खुश रहने नहीं दे सकती? वे कहते हैं कि प्यार जैसी चीज के लिए मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकती, जो मैं करती हूँ सब परफेक्ट होता है। टिया कहती है कि इस बार आपने लिमिट्स क्रॉस कर दी, और चली जाती है। गौर्या कहती है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा, क्या तुम पागल हो? थाइम कहता है कि घर अच्छा है ना। गौर्या उसे हिट करके कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। थाइम कहता है कि मैं क्या करता, तुम दोनों अकेले रहते हो और यहाँ पर चोर है, अगर तुम्हें कुछ हुआ और मैं हेल्प ना कर पाया तो पूरी लाइफ पछताऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। गौर्या हंसकर कहती है कि यहाँ रह सकते हो तो रह लो, और दूसरों का ध्यान रखने से पहले खुद का ध्यान रख लेना। वे कहता है कि मैं थाइम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। रात को थाइम हेल्प के लिए चिल्लाता है। गौर्या उसके पास आती है,
टाइम कहता है कि मैं तो कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था। गौरिया गुस्सा करती है और उसे वॉशिंग मशीन यूज करना सिखाती है। टाइम का ध्यान उसकी बातों पर नहीं होता। वह कहती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। वह हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद टाइम फिर से चिल्लाता है। गौरिया उसके पास आती है। वह कहता है कि ये क्या चल रहा है, इसे पकड़ो, इसके 6 पैर हैं। गौरिया कॉकरोच पकड़ लेती है और टाइम को डराती है। थोड़ी देर बाद टाइम फिर से चिल्लाता है। इस बार वह प्रेस करते हुए शर्ट जला देता है। गौरिया उसके बार बार चिल्लाने पर गुस्सा करती है। स्कूल में गौरिया कनिंग को बताती है कि पहले ही मुझ पर इतना प्रेशर है और अब टाइम को भी हैंडल करना पड़ रहा है। कनिंग कहती है कि वह भी शिफ्ट हुआ है तो उसे प्रॉब्लम तो होगी। गौरिया कहती है कि मैं टाइम को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कनिंग कहती है कि उससे दूर रहने की कोशिश करो और फोन कट कर देती है। सब गर्ल्स खुश हो जाती हैं क्योंकि 2 दिन बाद टाइम का बर्थडे है और पार्टी ग्रैंड होने वाली है। गौरिया सर पकड़ लेती है। टिया टाइम से कहती है कि मॉम शायद कुछ सोच रही हैं, तभी तो पार्टी इतनी ग्रैंड कर रही हैं। गौरिया को लेकर केयरफुल रहना। टाइम कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि वो आएगी या नहीं। टिया कहती है कि वो आएगी, मैंने उसके पास ड्रेस भेज दी है। तुमने उसके पास घर लेकर अच्छा किया, और फोन कट कर देती है। केविन कहता है कि शायद तुम्हारी मॉम ने बड़ी पार्टी इसलिए अरेंज की हो कि सबको बताएं कि तुम ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस हैंडल करोगे। रैन कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमजे पूछता है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। थाइम कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह की पार्टी का एक्सपीरियंस कराना चाहता था। रैन कहता है कि सच बताओ। थाइम कह देता है कि मैं गौरिया का ध्यान रखने यहाँ आया हूँ, अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। केविन कहता है कि पार्टी के लिए खाना कहाँ है। थाइम सबके लिए नूडल्स बनाता है। केविन घर को लग्जरी हाउस बताता है। थाइम उनके लिए नूडल्स लेकर आ जाता है और उनके लिए टीवी ऑन करके कहता है कि नया लाइफस्टाइल ट्राई करो। केविन कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, पर थोड़ी देर बाद सबको खाना खाते हुए मूवी एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है। गौरिया थाइम की पार्टी का इनविटेशन और टिया की भेजी हुई ड्रेस देखती है और पार्टी में जाने से मना करती है। उसका भाई कहता है कि धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तुम्हें जाना चाहिए। तभी थाइम आकर कहता है कि टीवी चलना बंद हो गया है, इसे ठीक करो, ड्रामा अच्छा चल रहा था। गौरिया कहती है कि बाद में ठीक कर दूंगी और उसे भेज देती है। गौरिया की ड्रेस खराब हो जाती है। गौरिया उसे वॉश कराने आती है जिसमें 600 रुपए लगेंगे। उसके पास पैसे नहीं होते। एक लड़का आकर कहता है कि मैंने भी ऐसी ये ड्रेस वॉश कराई थी तो 300 रुपए लगे थे। वे कहता है कि ये ड्रेस ज्यादा गंदी है। वह लड़का शॉप ओनर को कॉल करने के लिए कहता है तो वह 300 रुपए में मान जाता है। गौरिया उसे थैंक यू बोलती है। वह कहता है कि अगर कोई ज्यादा डिमांड करे तो वो डील नहीं करनी चाहिए और चला जाता है। गौरिया फ्लावर शॉप में चुपचाप खड़ी रहती है। दोनों उसे देखते रहते हैं। कनिंग पूछती है कि क्या तुम थाइम के बर्थडे गिफ्ट को लेकर परेशान हो। ये की रिंग मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि तुमने इसे खुद बनाकर मुझे गिफ्ट किया था। ज्यादा टेंशन मत लो, जो भी तुम प्यार से बनाओगी थाइम को पसंद आएगा। गौरिया कहती है कि थाइम चेंज होने की पूरी कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग में थाइम गौरिया को ब्रेकफास्ट रेडी करके देता है। जाते हुए गौरिया उसे पूछती है कि क्या तुम कुकीज खा लेते हो। थाइम कहता है कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ। स्कूल में गौरिया कुकीज की रेसिपीज देखती है और चारों की बातें सुनती है। थाइम कहता है कि मैं कपड़े वॉश नहीं कर सकता, मेरे पास एक प्लान है। जब गौरिया सो जाएगी तो मैं अपने घर जाकर कपड़े वॉश करा कर वापस ले आऊंगा। रैन कहता है कि तुमने तो कहा था कि चोरों की वजह से वहाँ रह रहे हो। थाइम कहता है कि उस एरिया में मैंने सिक्योरिटी टीम लगाई हुई है, मैं तो बस गौरिया की नजरों में अच्छा बनना चाहता हूँ। वह स्टूपिड है, उसे मेरी प्लानिंग का पता नहीं चलेगा। गौरिया कहती है कि बताओ मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद गौरिया कचरा फेंकने बाहर आती है और थाइम के कटआउट पर ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। वही लड़का आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। गौरिया कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है कि मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, अभी स्कॉलरशिप पर एडमिशन हुआ है। मुझे रिच लोग पसंद नहीं है। गौरिया उसका नाम पूछती है। वह अपना नाम तले बताता है और ड्राइंग देखकर कहता है कि क्या तुम्हें भी F4 पसंद नहीं है। गौरिया कहती है कि ये लोग अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, मुझे इनसे नफरत है। तले कहता है कि हम उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते, पर तुम अपना गुस्सा इस पर निकाल सकती हो। गौरिया उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है और किसी के आने पर दोनों भाग जाते हैं। तले उसे घर भी ड्रॉप करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बता दूंगा जिनका मुझे पता है। गौरिया उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। वह कहता है कि अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या वे इस लड़के हमारी हेल्प करेंगे, और चला जाता है। गौरिया घर आकर ड्रेस देखती है और थाइम की मम्मी की बातें याद करती है कि तुम कभी थाइम के लिए परफेक्ट नहीं बन पाओगी। थाइम के बर्थडे की प्रिपरेशन चलती रहती है। गौरिया टिया की दी ड्रेस वापस करने आती है। मेड कहती है कि टिया यहाँ नहीं है, क्या उसे इन्फॉर्म करूँ कि तुम पार्टी अटेंड नहीं करोगी। गौरिया हाँ कर देती है। वापस जाते हुए उसे रैन मिल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वो ड्रेस पहने हुए देखना चाहता था।
गौरिया कहती है कि वो ड्रेस मेरे लिए नहीं है। रैन कहता है कि मुझे तुम पर भी ट्रस्ट है और थाइम पर भी, सब ठीक हो जाएगा, और ड्राइंग करता रहता है। गौरिया घर आती है तो थाइम वहीं होता है। गौरिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका भाई उसे बताता है कि थाइम को तुम्हारे लिए खाना बनाना था और घर की हालत देखो। थाइम कहता है कि मैं क्लीन कर दूंगा। गौरिया डिश देखती है तो उस पर सॉरी की स्पेलिंग गलत लिखी होती है। गौरिया कहती है कि खाना टेस्टी लग रहा है। उसके बाद सब साथ में खाना खाते हैं। डिनर के बाद गौरिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें घर जाकर बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन नहीं करनी। थाइम कहता है कि वो पार्टी बोरिंग होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गौरिया कहती है कि तुम तो बड़े हो गए हो। थाइम कहता है कि पार्टी की फिक्र नहीं है, पर बर्थडे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। गौरिया उसे अंदर जाने के लिए कहती है। थाइम कहता है कि क्या मैं अपने कपड़े घर जाकर वॉश करवा सकता हूँ, मुझसे कपड़े वॉश नहीं होते। गौरिया कहती है कि तुम्हारी मर्जी है, और वहाँ से जाती है। थाइम उसे रोकता है। गौरिया कहती है कि लेट हो गया है और टाइम देखकर सोचती है कि थाइम के बर्थडे में 10 सेकंड बचे हैं और काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। थाइम उसे स्माइल करते हुए देखता है और खुद को हैप्पी बर्थडे बोलता है। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। थाइम कहता है कि अगर तुम पार्टी में नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं। गौरिया कहती है कि मैं आऊंगी और अगर मेरा गिफ्ट पसंद ना आया तो कंप्लेन मत करना, और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे गौरिया थाइम के लिए कुकीज बनाती है जो उसके फेस जैसी होती हैं। गौरिया रेडी होकर पार्टी में आ जाती है। थाइम की मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हें इतना कुछ बोला फिर भी यहाँ आ गई, क्या तुम्हें एम्बेरस फील नहीं हो रहा है। गौरिया कहती है कि मैं थाइम का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ और आप डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं किसी और के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं। वे गुस्से में चली जाती है। तीनों आकर उसे कूल बताते हैं। केविन कहता है कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। रैन उसे थाइम से मिलने के लिए कहता है। गौरिया कहती है कि मैं बस गिफ्ट देकर चली जाऊंगी। केविन कहता है कि तुम आज के स्टार हो और उसे उठा लेता है। उसके चिल्लाने पर सब उसे देखते हैं। थाइम उसके पास ही आ जाता है। गौरिया कहती है कि इतना ड्रेसअप होने की क्या जरूरत थी। थाइम कहता है कि बोल दो हैंडसम लग रहा हूँ, वैसे तुम भी क्यूट लग रही हो। गौरिया उसे बर्थडे विश करती है। थाइम पूछता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। गौरिया गिफ्ट छुपा कर कहती है कि मैं नहीं लाई। तभी उसकी मम्मी अनाउंस करती हैं कि मुझे सबको किसी स्पेशल गेस्ट से मिलवाना है। एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं जो गौरिया से ही टकराती है। यह है लीता जिसकी एंगेजमेंट थाइम से होने वाली है।